जैसा कि समय है अपना कि भाई 2:30 बजे तक अपन को मंगल शेष करना है, उसके बाद आप सब लोग का भोजन है। जब तक दरबार के अंदर भजन होते रहेंगे, जब तक आपका भोजन होगा, उसके पश्चात भजनोत्सव का आज विश्राम का दिवस है और भजनों की श्रृंखला पुनः प्रारंभ हो जाएगी। तो आओ एक भजन आपा भी रख लेवा, बिका बाद आपा 5वो अध्याय, और अध्याय पूरा होवा का बाद तू थारे घर, मैं मारे घर और आपनी दादी घर घर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा जोर का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। काली 5 भैया सच्चे दरबार की जय। बातें नहीं, मैंने क्या कहा, अगर इतनी भीड़ इकट्ठी करके तुम इतिहास बना सकते हो तो बिना बोल करके भी तो औरतों का एक नया इतिहास बना सकते हो कि हम लोग बोली नहीं, पूरे दरबार में सबसे चुप रहे। आइए भजन करने के लिए मुख खोलिए, बातों के लिए नहीं, भक्ति कीजिए। ये 3 घंटे 4 घंटे माई ने भक्ति करने को दिए है ना, आज क्योंकि श्रृंगार माई का हिंडोला को है तो आपा एक भजन भाईसा महाराज रे हिंडोले पर गावा, दिका बाद पाठ और पाठ का बाद आज्ञा आप सभी से। तो आइए झूलो, झूला री एक खासियत साफ पूरो दरबार सुन जो, जो नहीं सुन रहे हो वो समझे को नहीं कि भजन का भाव के है। भजनों के भावों को समझने की चेष्टा कीजिए साहब। ए भाई थोड़ो बठीने की तरफ, थारा पीछे पियो पानी मनाई नहीं, आवाज मत करो, शोर मत मचाओ। एक झूला लकड़ी का पाटिया, उसके 2 रस्सी बंदी है, एक पेड़ पर वो डला हुआ है। अब जब वो खाली होता है ना तो अक्सर वो ऐसे चलता है, देखा होगा, नोट किया होगा, वो पाटिया अपने आप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आधा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन जब उसी पाटिये पर कोई बैठ जाए तो वो तुम्हारे मैनेड़े रे पाट बिराजो मारी माँ, हरे मने रे पाट बिराजो मारी माँ। हो एक आप एक वो, दो दो जने मिल जाओ। अरे मन को हिंडोलो आडो टेडो चाले, ओ मारे मन को हिंडोलो आडो टेडो चाले। भाई खाली है ई पर बैठ जाए। अरे मारे मन डेरी डोर संभालो मारी माँ, मारे मन डेरी डोर संभालो मारी माँ, ओ मन रोहिंडोलो आडो टेडो चाले, ओ मारे मन रोहिंडोलो आडो टेडो चाले। तो आइए कौन कौन बिठाएगा, अंतिम भजन है पाठ का, इसके बाद पाठ का विराम है। आइए एक बार पुनः झूम करके भगवती को रिझा करके हम लोग भजनों के क्रम को विराम देंगे एक साथ। ओ मारे मन को हिंडोलो आडो टेडो चाले, ओ मारे मन को हिंडोलो आडो टेडो चाले, ओ मारे मन रे रे पाट बिराजो मारी माँ, ओ मारे हिंडोलो आडो टेडो चाले, हमारे मन को हिंडोलो आडो टेडो चाले। जय हो,
बुलावे अतरी फेर तू कर ओ मैया आओ तो सरी बता दी आओ तो सरी मैया बुलावे अतरी सच्चे दरबार की जय। तो आइए पांचवें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं, अंतिम अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राणी सत्याय नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस पंचमं स्कंद। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय। तो आइए मिलकर के पाठ को हम लोग शेष करेंगे। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी श्री नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। बुद्धि रूप से
सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, तुम्हें बारंबार नमस्कार नमस्कार है। तो आइए हरिमति अनुसार कथा में बाकी अब सुनो जो बीच राखी। शहजादा घोड़ी पाने की रचने लगा कलाड़ लड़ने की। सांप हृदय थे तन धन दासा, समझ ना सके मित्र की आशा। बात बड़ी बातों बातों में, उठा लिए भाले हाथों में। पटका पटकी हुई कठोरा, धन धन जी का हाथ मरोरा। और धन धन के मन रीस समाई, कोली मुक्ता एक जमाई। मूर्छित हो पड़ो धरणी पर, धन धन चालियो चढ़ घोड़ी पर। आए पिता को बात बताई, शहजादे से फिरी लड़ाई। पिता कहे मन चिंता लाई, पिता अच्छी नहीं लड़ाई। वो हम सेवक वो शाह है, उनसे कैसा बैर। घोड़ी के खातिर लिया नाहक तुमने बैर, नाहक तुमने बैर। ओ जब शहजादा होश में आया, ककड़ी झाड़ तुरंत घर आया। वो सकल बात पितु को समझा कर गए, करने लागे आगे होकर सैनिक भागे। वो सेनापति को मार गिराया, सकल फौज को दूर भगाया। अनग नदी सर तक परे थे, वाले वाड़ कृपाण करे थे। दूसरी फौज तुरंत चढ़ आई, धन धन कमला राम भगाई। वही प्रकार बहु सैनिक मारे, कई मरे कई की अध मारे। शाह विचार करे मन माए, यही संग वैर भराई नाही। दोनों भाई घर को आए, माति पिता सब हाल सुनाए। शारदा बोली भय सहित, समझ पड़े कछु ना
सजाए झुंझुनू जाकर सूरी उगाई हो शाही सारा झुंझुनू शाह में में से थोड़ो थोड़ो तंदन जी ने और माई ने यो अंतिम स्कंद को अंतिम भोग एक बार भोग लगा दो ना चरका में से चरको ले ले मीठा में से मीठो ले ले फल में से फल ले ले यो सब चीज थोड़ी थोड़ी लेकर जोत में अजी धोया धोया थाल परोस दिया बात जी आवो आवो तंदन दास जी योजनाई करो माता
सुख पाई हर वचन सुनत माता हर शाही सब सखियों को लिया बुलाई जाओ सजावो नारानी को सब प्रकार सुंदर दुल्हन को पीठी मल स्नान कराया सुंदर वस्त्र दुल्हन पहनाया नारायण सब विधि सिरधारी मन ही मन हर श्री महतारी मुख चमके चंदा की नाई माथे बिंदु सुहाग सुहाई शाल त्रिपुटी है बाकी जिनमें है गजरे की झाकी दुल्हन बनी लगे नारायणी जैसे रती जमीन पर आनी रूप राशि की खान भवानी कभी करे क्या रूप भवान संवत्रयोदशी बावन कामन शिवदी दिवस नवमी का प्रातः काल का समय सुहाना अधर दुर्ग सजा चाले मगर
अब वह सुनो जो होनी थी घोर जंगल के मार शहजादे को मार कर तन धन पिता समेत गाँव झुंझुनू बस गए ओ माता भाई समेत ये ऐसी बलकारी साथी एक ही
हुक्म दिया सब सैनिक जाकर हीरो जंगल घाती लगा कर बना योजना आगे आया छुप कर भाला वार चला ओ धन धन पीठ घुसा हो जाए वीर एक पल मुरछा आई पुनि उठ कर तलवार उठाई गले भी दिल की माई मचाई दया जी धर कर दिया समाया कोई न जीवित बच नहीं आया पीछे से शत्रु ने आकर वार किया गर्दन पर कसकर आंखों से राणा समझाया तुरंत वीर पर लोग सिधाया नारायणी को पड़ी खबर जब चढ़ा वीर रस अगला चंडी बन गया रूप टूट पड़ी शत्रु दल पर माधर कर महाकाल का बोलिए श्री नारायणी मात की जय शिरोमणि तंधन दास जी महाराज की और जब चंडी का रूप धारण कर लिया उसके बाद आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं अरे एक हाथ में पतिका भाला दूजे में तलवार कराला अरे कूद पड़ी रण चंडी रण कटनी लगे चल चढ़ी हाथी पर
मौजरण जागे राणा जी की बंदरा जागी हाथ जोड़ कर विनती कीड़े रथ सस्त कर से तजदीरी फिर राणा से बोली जाओ तुरंत पति का शबिले आओ राणा युद्ध भूमि में जाई खड़े और शीश तुरंत ले आई राणा शास्त्र मंगवाए सजा दिए पति शीश लगाए राणा ताहत प्रभु खड़ा समझ पड़े कुछ ना रोते रोते बात से बोला अतिबिकला बोला अतिबिकला हाथ जोड़ बोला सेवक को इसके सहारे छोड़ा मुझको जूझण जाए खबर क्या दे क्या खुश खबरी माँ को जस विधिहार हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार बहुत उतर रहे पटरी से आप इधर बजरा मुझे इधर से ऐसा सुनाई दे रहा मैं खुद नहीं समझ पा रहा मैं क्या गा रहा एकदम चलो आराम से गाओ अरे अब मानो एक बात हमारी अमर नाम होगा बलकारी अरे सत की घर घर पूजा होगी क्या हस्त क्या तापस मुझसे पहले नाम तुम्हारा कलयुग माई सक संसारा राणा सती नाम गूंजेगा मुझसे पहले तू पूजेगा बोलिए श्री राणा सती मात की अरे जब भस्मी बन जाए हमारी सुन राणा जी बात हमारी अरे तुम पति की घोड़ी ले जाओ संग हमारी भस्मी ले जाओ जाए
जहां घोड़ी अड़ जाए वही मेरा मंदिर बन जाए। हर कोई न मूर्त वहां पर होगी मेरा रूप त्रिशूल पूजे। हर भादव बदी अमावस्या को मेला लगे प्रति संवत को। हर जो आज्ञा कैसीस नवाया आशीर्वाद सुहाना पाया। हर नवमी बदी माह मंग सिर का तेरा सबावन संवत का। हर सायंकाल की बेला आई छह बज कर दस मिनट सुहाई। ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी चढ़े सकल नभ में असुरारी। जय जय तार गगन भयो भारी सकल देव जय तारी उचारी। ओ नारायणी समय शुभ जाने याद किया जगदम्ब भवानी। हर अम्बा कर त्रिशूल थमाई आशीर्वाद दिया हर शाही। ओ मात पिता अरु सास ससुर को कर प्रणाम सब गुरु जनों को। हाथ जोड़ देवन सिर नाई शक्ति अनूठी तन में आई। मुख पर तेज अनोखा छाया दीप अनूप रूप बन आया। हर सूर्य देव को शीश नवाई चूड़े से अग्नि प्रगटाई। लौ निकली एक दिव्य सुहानी सकल चिता को ली लपटानी। ओ चिता भबक उठी पल भर में मिल गई ज्योति ज्योति पल भर में। हो प्रति प्राणों में चाहे समा आशीर्वाद दिए विधि नाना सकल देवता की ओ पयाना। अच्छा अच्छा वह गुलाबी फ्रॉक में थी वह तेरी बच्ची थी क्या? ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हुई एक बच्ची दरबार में। देखिए साहब भीतर भी और जो बाहर बैठे हैं मेरा निवेदन उनसे भी है बाहर भी देखिए। उम्र कितनी है? 6 साल की बच्ची तो कहीं घूम जावेगी अपन घुमा देवे इतना बड़ा बच्चा तो। चिंता मत कर मिल जाए तुम्हारे बैठ। देखिए साहब 6 साल की बच्ची नाम सेजल अग्रवाल जिस किसी को भी दिखी जावेगी लाके की माँ कने दे दीजिए। साहब बोलिए सच्चे दरबार की भाई 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 दादा 5 मिनट अठी ने देखियो ना दादा सिंगर को थोड़ा सा मॉनिटर्स में बढ़ा दीजिए और पीछे के भी मॉनिटर्स में बढ़ा दीजिए। आइए मिलकर के स्कंद का अंतिम छंद हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाइए ना थोड़ा सा समय हो गया है। आओ साहब ऐ भूखी बैठी मैं भूखो बैठियो ईमानदारी से चाय कुण कुण पीकर बैठे हो बाकी कॉफी पी के बैठे के पेप्सी हो। दादी आओ तो सरी हो मैया आओ तो सरी। अरे टाबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करे। ओ मन में आवे मावड़ी हर जल झारी बन जाऊं मैं।
जलधारी बन जाऊ मैं। मिल जी ये तो 6 साल को बच्चों बेटा घूमे को नहीं, कोई बोल नहीं सके तो बात अलग है। बाकी बच्चों ओ मन में आवे मावड़ी, थारी जल झारी बन जाऊं मैं। सब गाइए। पहली शीतल करूं रात दिन, अरे पहली शीतल करूं रात दिन, सुन इन्हें दिखा इन्हें। प्रधानमंत्री को नहीं आयो तो जो इतना एक एक तक देखभाल आ जाओ कि थे लोग भजन को नहीं बोलो। देखो ई कटघरा का मायने है नहीं, सारा कैदी कैदी बैठे है और वो बैठे हो जज, तो संभल कर रहे हो कटघरा में। हो मन में आवे मावड़ी, थारी जल झारी बन जाऊं मैं। मन में आवे थारी जल झारी बन जाऊं, अरे दहली शीतल करूं रात दिन दहली, अरे चरणामृत बन जाऊं रे थारो, चरणामृत बन जाऊं रे मैया। आओ तो सरी ओ दादी आओ तो सरी, अरे काबरिया बोलावे अतरी देर क्यों करी। देखो आपने वन मैन शो सुना होगा, आज टू मैन शो देखो। खाली दो जना बैठकर पूरा मंगल कर रहे हैं, जितना चार बजाता है दो बजा रहे हैं। एक जोरदार ताली बजाओ तो। अब सुनो, अब अठे से लेकर मंगल का अंत तक अगर ताल ऊपर नीचे जावे तो फिर अकेले कोई बोले भी ताली बजावा की तो मत बजाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अटल छत्र सरकार की जय। आओ साहब, ये इनकी साधुता है जो माजी सा ने झेल ले, वरना आने तो काल के बतायो रात का वो इको बर्तन, बर्तन नहीं आवर्तन, बर्तन नहीं आवर्तन। मैं बोलियो इतना भारी भारी शब्द मत बताओ भाई, सीधो साधो भजन गाणिया हा थे यो, इतना में चला जाओगा तो माका जी सा तो ऊपर से ही। बोलिए सच्चे दरबार की जय। साधुवाद है साहब आपका बड़े, आप लोग तो साधक हैं भगवती के सरस्वती के, माका जी से तो कहीं है खाली दो अगरबत्ती सुबह दो अगरबत्ती शाम, लेवा दादी नाम और है ही नहीं कोई काम। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो दर्शन पा सती मात का शीश नवा कर जोड़, भस्मी बांधी अश्व पर और तुरग लगाई दो, तुरंत लगाई दो। वो देखो चाले घोड़ी तन धन जी की झुंझुनु नगर की ओर, वो देखो चाले घोड़ी तन धन जी की झुंझुनु नगर की ओर। अरे कलश रूप में बैठी जिस पर, कलश रूप में सिर मोर, देखो चाल घोड़ी तन धन जी की झुंझुनू नगर की ओर, देखो चाल घोड़ी तन धन जी की झुंझुनू नगर की ओर। तन धन जी के साथ मिटाया भस्मी भूत बनाई, तन धन जी के साथ मिटाया भस्मी भूत बनाई, उस भस्मी पधराई, उस भस्मी को फिर राणा ने स्वर्ण कलश पधराई। अरे जहां जहां से निकले घोड़ी, जहां जहां से निकली घोड़ी, जहां जहां से निकले घोड़ी मच गया देखो शोर, देखो चाल घोड़ी धन धन जी की झुंझुनू नगर की ओर, देखो चाल घोड़ी धन धन जी की
तो बोलो रे जय जय सती रानी के बावरी तू जन वाली के कहो जय जय सती रानी के बावरी तू जन वाली के वो कैर का एक वृक्ष था वन में वही अड़ा घोड़ा जंगल में वो अश्वरूपा झुंझुनू के मारे तुरंत भस्म कह दी पधराई वो त्रिशूल आरती उतारी घर जाने की बात बिचारी जाली राम खबर जब पाई पड़े भूमि पर मूर्छा खाई बहु प्रकार माता बिलखानी छोटे सत को गले लगानी सब राणा सब चरित बखाना जय विदिशा है लड़ाई खाना बहु प्रकार सब चरित बखाने जय विदिशा तो यम पहचाने सती भाई सो बात बताई आज्ञा दई सो मात बताई राम बाहर वो स्थान बताया कहा सती त्रिशूल लगाया जाली राम बहुरी समझावा धीरज बहुत भांति बंधावा अब चलिए जहाँ भस्म बसाए भेद सती मंदिर बनवाई जाली राम आए जहाँ भस्म त्रिशूल सुहा सुख धाम माई तेरे मंदिर में मन का परम सुख धाम माई रे तेरे मंदिर में मंदिर देख सकल हर्षावे हरि घड़ावल धुनि सुहाने नित्य आय पूजा जन करही श्री नारियल दूध चढ़ावही सती करे सतलोक निवासा सेवा करने लगी सती हुई कुलमाई सती की ज्योति अखंड जलाई माँ नारायण सबसे पहले जिसकी ज्योति जगत में फैली ओ कछु कदिवत पति की सेवा कर हुई प्रगट झुंझुनू में आकर हर वैश्य एक था झुंझुनू माई संपन्न व्यापार चलाही एक रात
लगे दुनिया में चहो दुनिया में चहो
रहूं विराम कथा सुखदाई। तो कहो जय जय सती रानी के पावड़ी झूझड़ वाली की, कहो जय जय सती रानी की पावड़ी झूझड़ वाली की। आओ अब दोहा पढ़ो, इस मंगल को जो स्मरे पाठ बिठाए, खुद आए सकल देव घर जाइए, रहिए देव गणेश रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी वास हमेश। नारायण करुणामय धन धन जी संग आए, सबके सारियो हे भयारिणी माँ, हाथ जोड़ माँ खड़े तुम्हारे दास रानी सती। भक्त सभी कर भजनों सब मांगो भोग लगाए, अंत प्रसाद पाए कर सारे मन इच्छा फल पाए, तभी सभी घर जाइए रानी सती चित लाए, रमाकांत स्वामी भगवान की। ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। मोती से धानी ओ सतियों में सती रानी, ओ धोरों की धनियानी मारी कुल देवी कल्याणी, हमें तेरा ही सहारा, देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए आप लोगों के लिए जिन्होंने भी मंगल में भाग लिया है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है,
माई का पश्चात आप कार्यालय से कूपन लेवें या कूपन आपके पास कूपन दिया हुआ है उस कूपन से आप कार्यालय से वो प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। उस प्रसाद को आप अपने उस कूपन से कार्यालय से लीजिएगा और बड़े ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से जिसको बाहर जाना है धीरे से जाएगा और ऐसा नहीं है कि वो कूपन का प्रसाद खत्म हो जाएगा। जितना कूपन वितरित किया गया है उतना प्रसाद वहाँ सुरक्षित है। वो चाहे आप शाम को लें कार्यक्रम के पूर्ण होने पर लें जितना भी लें वो जितने कूपन वितरित हैं उतना प्रसाद आप लोगों का वहाँ रखा हुआ है। जब भी आप लेना चाहें मेरी आपसे प्रार्थना है हम लोग संख्या में अधिक हैं व्यवस्था में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। ठीक है कुछ समय का एक छोटा सा अंतराल रहेगा आप लोग भी बहुत काफ़ी देर से कई घंटों से दादी को रिझा रहे थे मना रहे थे लेकिन फिर भी यदि हॉल से बाहर जाना भी हो तो बड़े व्यवस्थित तरीके से और धीरे धीरे करके निकलिएगा कोई हड़बड़ाहट मत मचाइएगा और वापस आकर के पुनः हॉल की ओर अपना स्थान लीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम के बहुत से भाग शेष हैं। बहुत से भागों में अभी नए नया रूप जुड़ना है। आज शाम तक तो दादी की महाआरती तक तो कई गुणों के अंदर अभी तो दादी को आप सबने मिल के झूला भी झुलाना है साथ में। देखिए विशेष तौर से बाबा श्याम और अपने सालासर वाले बालाजी आज सभी को एक ही भाव में भक्तों ने अकोला में झूले के भाव में रंगा है। सब मिलकर के बड़े प्रेम से और बड़े भाव के साथ इस उत्सव को हम आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा कुंवर तेजस का अपनी इतनी सुंदर वाणी के साथ इतने सुंदर शब्द लेखों के साथ दादी को रिझाने का जो परम सौभाग्य आपको मिला है